वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गति शक्ति योजना को काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस योजना से रोजाना नए सेक्टर जुड़ रहे हैं। जी बिजनेस संवाददाता अमरीश पांडे से खास बातचीत में उन्होंने और क्या कहा, आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान के 1 साल पूरे हो रहे हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। सर, सबसे पहले तो आपको इस 1 साल की बधाई और इस 1 साल का अचीवमेंट हम आपसे जानना चाहेंगे। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात जो इसमें हुई है कि पूरे देश के सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज, राज्य सरकारें, लोकल बॉडीज सब इसमें जुड़ी हैं और एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, सब साइलोज डिपार्टमेंट्स के भेदभाव तोड़ के, राजनीति को भी परे रख के पूरे देश ने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को अपनाया है। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है भारत को एक समृद्ध देश बनाने का, विकसित देश बनाने का, उनकी जो पूरे समय कोशिश रहती है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारत तेज गति से विकास करे, उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान आज के जो उदाहरण डिस्कस हुए हैं उसमें से देखने को मिलते हैं और आगे चल के नए आइडियाज क्या क्या आ सकते हैं उस पर और दोपहर को चर्चा होने वाली है। विकसित भारत की जो कल्पना प्रधानमंत्री ने या विजन जो दिया है प्रधानमंत्री ने, उसके लिए इस गतिशक्ति प्लान का पार्ट 2 या अगले साल या उसके आने वाले सालों में हम उसको कैसे बदलता हुआ या कैसे अपडेट होता हुआ देखेंगे। देखिए, इसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं। कहा हमने कल्पना की थी 700-800 लेयर्स ऑफ डेटा होंगे जिससे काम किया जाएगा, अब वो 2000 के करीब हो गए और जिस स्पीड पे लोग अपना अपना नए आइडियाज लेके आ रहे हैं, नई चीजों को जोड़ रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए मुझे बताया गया अब आंगनबाड़ी भी इसके साथ जुड़ गई है। मैंने जितने लैब्स हैं, टेस्टिंग लैबोरेटरीज हैं देश की, अब उनको इसमें जोड़ दिया। कोई सोचे इसका डायरेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से तो संबंध नहीं है, लेकिन उससे मालूम पड़ रहा है कि देश में कहाँ पे लैब्स कम है, कहाँ किस चीज़ की लैब लगाना जरूरी है, कहाँ पे नज़दीक में लोगों को सुविधा नहीं मिलती है तो नई लैब लगाने की जरूरत है। तो इस प्रकार से अब इसकी जो पावर है, पावर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पावर ऑफ डेटा, वो दोनों को हार्नेस करके हम, मुझे लगता है कि देश की पूरी सोच को बदलने में सफल होंगे।